नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना है या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है। हम इसको टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे, क्या आपका लेवल्स होना चाहिए जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना ना भूलें। साथ ही साथ जो चार्ट होता है और स्टॉप लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बना के रखना है, क्योंकि कभी करेक्शन आता है, बहुत बड़ी गिरावट आती है, तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर सके। तो हमारे चैनल पे आपको हर तरह के जो इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, और आगे चल करके हम आपके लिए जो टेक्निकल कोर्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, उसको भी लेकर के आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके भी चार्ट देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट, या आप जीरोधा पे देख लीजिए, दोनों का चार्ट सेम ही है। इसमें भी आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जूम आउट हमने किया है, जूम इन भी कर सकते हैं। जैसे हम देखिए जूम इन करते हैं तो ये चार्ट आपका लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो इसी तरह से आप इसको और चाहें तो जूम इन कर सकते हैं। तो जूम आउट हमने किया है ताकि आपको लंबे समय का चार्ट दिखा सकें। देख लीजिए यहाँ से चार्ट जो है अगस्त 19 से काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं अप ट्रेंड में है। यहाँ से देखते हैं अप ट्रेंड में है, और यहाँ से जो गिरावट आया फरवरी से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट आया था। फरवरी से पहले ये स्टॉक्स 638 रुपये का था, वहाँ से गिरावट जब आया तो ये 481 रुपये, मतलब 100 रुपये से भी अधिक का गिरावट आया था यहाँ पर। और यहाँ से फिर ये तेज़ी पकड़ता है, और अभी आप देख सकते हैं ये अपना हाई बनाया 820 रुपये का। 820 रुपये का हाई बनाने के बाद यहाँ से ये फिर से इसमें गिरावट आता है। तो यहाँ पर जो गिरावट आया, तो ये बार बार देखिए सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, यहाँ पर इस प्राइस पे। इस प्राइस को ये ब्रेक तो किया यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन एक ही दिन इसके नीचे ये टिक पाया। एक दिन ब्रेक किया, दूसरे दिन इसके नीचे टिका, और तीसरे दिन फिर यहाँ से ऊपर आ गया। फिर यहाँ दोबारा ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डे 2 डे 3 डे 3 दिन यहाँ पर नीचे रुका, फिर से यहाँ पर वापस आ गया। मतलब ये जो प्राइस लेवल है आपको 750, इसके नीचे अगर ये टिक जाता है तो फिर आपको इसमें नीचे गिरावट आ सकता है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको ऊपर अप ट्रेंड इसमें देखने मिलेगा। तो 750 के नीचे अगर ये लगातार मतलब क्लोज होता है तो समझ जाइए इसमें गिरावट आ सकती है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ये अप ट्रेंड पकड़ सकता है। तो जैसे ऊपर ये अप क्लोजिंग देने लगता है ऊपर 750 से, तो आप इसमें जो है पोजीशन बना सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, मतलब अप ट्रेंड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो आप इसमें जो करेक्शन का मतलब जो गिरावट है उसके लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर नीचे जाता है तो आप नीचे के लिए पोजीशन बनाएं, ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए पोजीशन बनाएं। और स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए आप पोजीशन बनाएंगे, तो 750 रुपये से नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका। अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तब, जैसे ऊपर क्लोजिंग देगा आपको तो 775 से ऊपर जाता है तो आपको ट्रेड लेना है, और 750 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। अगर नीचे ये क्लोज देता है तो नीचे आपको ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 700 रुपये का लेवल ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर पोजीशन बनाना है, 750 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। तो ये हो गया आपको एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, जो स्विंग ट्रेडिंग होगा इसमें जो एक बड़ा स्विंग आएगा या नीचे का या ऊपर का, तो उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको SIP मोड में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर नीचे करेक्शन दिखाता है तो धीरे धीरे आपको जैसे 10 क्वांटिटी इसमें लेना है या 100 क्वांटिटी लेना है, तो एक बार में आप 10 क्वांटिटी लेंगे, फिर गिरावट आता है फिर 10 क्वांटिटी। लेकिन जो गिरते हुए स्टॉक है उसमें एवरेज आउट करना बेनिफिशियल नहीं होता है। तो जो स्टॉक इसमें अगर गिरावट आती है तो सिर्फ वेट करें। वेट क्या करें, जब गिरावट होकर के फिर से ये अप ट्रेंड दिखाता है, गिरावट होकर के अप ट्रेंड दिखाता है तो आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपका RSI मदद कर सकता है। अगर आप RSI के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम RSI पर आपको डिटेल में वीडियो बना करके आपको दे देंगे। जैसे ये RSI देखना है, अभी 40 से नीचे आता है, फिर से 40 से नीचे यह जाता है तो समझिए इसमें डाउन ट्रेंड आ रहा है। डाउन ट्रेंड इसमें रेगुलर रूप से डाउन ट्रेंड है, तो जब डाउन ट्रेंड में है तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, जस्ट वेट करें कितना गिरावट आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बार बार ये 40 के नीचे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर 35 पे, तो 35 पे जैसे आया यहाँ से सपोर्ट लेकर के वो वापस रिटर्न होता है।
RSI हमारा 35 पर सपोर्ट लेकर वापस रिटर्न होता है, तो वहीं से आपको इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो जैसे ये RSI नीचे आता है वहां सपोर्ट लेकर के फिर से वापस रिबाउंड होता है, तो यहीं पर जहां पर ये मतलब सपोर्ट लेकर रिबाउंड होता है तो वहीं से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि किस तरह प्रकार लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है और किस प्रकार आपको पोजिशन ट्रेडिंग करना है। तो आप फ्यूचर में इसका नीचे जाता है तो उसके लिए भी पोजिशन बना सकते हैं, ऊपर जाता है तो उसके लिए भी बना सकते हैं, ऊपर जाता है तो कैश में फ्यूचर दोनों बना सकते हैं, अगर नीचे जाता है तो आप फ्यूचर में इसका जो भी हो एक लॉट दो लॉट जितना चाहें आप पोजिशन बना सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म में तो आपको कैश में ही करना पड़ेगा, कैश में जब यहाँ RSI को ध्यान में रख के करना है। अब RSI देख सकते हैं ये ऊपर है, जैसे ऊपर जा रहा है तो ये अभी ना तो अप ट्रेंड में है ना तो डाउन ट्रेंड में, ये देख सकते हैं 60 और 40 के बीच रहे या थोड़ा सा ऊपर या नीचे, तो इसको हम साइडवेज कहते हैं। तो अभी मार्केट अभी जो इसका प्राइस है क्या है, साइडवेज चल रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ पर या तो टाइम वाइज करेक्शन या तो प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन होता है कि ये प्राइस काफ़ी नीचे आ जाए तो उसको प्राइस वाइज करेक्शन कहते हैं, टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं कि इसी प्राइस पे ऊपर नीचे करते हुए अपना टाइम यहीं पे स्पेंड करे, टाइम क्या करे स्पेंड करे, तो उसको हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन हो रहा है या तो प्राइस वाइज होगा या तो टाइम वाइज, प्राइस वाइज होगा तो इसका प्राइस नीचे आएगा तो आप डाउन ट्रेंड के लिए फ्यूचर में इसको बाय कर सकते हैं, तो फ्यूचर में मतलब शॉर्ट कर सकते हैं, तो बाय तो जब ऊपर जाता है तब करते हैं, फ्यूचर में आप शॉर्ट कर सकते हैं इसको। तो ये ट्रेडिंग ऑफ व्यू हो गया, आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है जब भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग हो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगानी चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कोरोमंडल इंटरनेशनल है इसका जो मतलब हमारा डिफरेंट फंडामेंटल एनालिसिस है उसकी बात करते हैं। वहाँ पर हमने देखा टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल पे चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, चार्ट हमेशा अप ट्रेंड में था। अब फंडामेंटल में बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 21,000 करोड़ का है, तो एक तरह से कहिए ये मिड कैप कंपनी ही है। और डिविडेंड देख सकते हैं काफ़ी शानदार है, 1200% का डिविडेंड मतलब 12 रुपया का डिविडेंड है हर साल। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सन में जाकर के कंपनी कब कब बोनस दी है हर चीज देख सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सन में डिविडेंड पे देखते हैं तो हर साल कंपनी डिविडेंड पे करती है। उसके बाद बोनस पर क्लिक करके बोनस देख सकते हैं कि कंपनी 86-78 काफ़ी पहले बोनस दिया है। स्टॉक स्प्लिट पर क्लिक करते हैं तो 2006-2010 में कंपनी स्टॉक स्प्लिट किया है। उसके बाद फाइनेंशियल पर क्लिक करते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा ये सितंबर 2019 को छोड़ दें तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार अप ट्रेंड में है। या एनुअल पे आप क्लिक करेंगे तो एनुअल पे आपको कंप्लीट रूप से दिख जाएगा कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी बेहतरीन है चार्ट। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पर क्लिक करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है। प्लेस्ड शेयर नहीं के बराबर है 0.01, तो ये निग्लिजिबल है 0.01%, ये तो निग्लिजिबल है जो प्लेस्ड शेयर है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतरीन है और कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस जो कि उस पर भी चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो कंपनी के ऊपर यहाँ पर देखिए तो डेट भी काफ़ी कम है। कंपनी के पास रिजर्व जो है 4200 करोड़ का है, जबकि कंपनी के पास डेट काफ़ी कम है 464 करोड़ मात्र, काफ़ी निग्लिजिबल डेट है। तो कंपनी के पास जो है डेट काफ़ी निग्लिजिबल है। उसके बाद हम बात करें जो कंपनी है उसके पास एसर्ट कितना है, तो नीचे चलते हैं तो कंपनी के पास एसर्ट भी काफ़ी अच्छा है, 2000 करोड़ का एसर्ट है। तो हर चीज़ कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। तो आपने देखा कंपनी का हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये स्टॉक्स जो है एक फर्टिलाइजर सेक्टर से है जिसमें आपको रेगुलर कहें कि हर समय आपको बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा। किसी भी पैंडमिक से ये कुछ खास प्रभावित होने वाला नहीं है क्योंकि ये एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सेक्टर से है। तो दोस्तों कोरोमंडल जैसे शेयर में आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।